3 साल के बाद मैं मेट्रो में आई हूँ। जहाँ पे फूड कोर्ट है, मस्ती जोन है, मार्केट फिर से ऊपर। और यहाँ पे ना गेम्स देख के मेरा भी मन कर गया खेलने का। मम्मी बोलती तुझे शॉपिंग करनी नहीं आती क्या, मतलब वो आज तक मेरे लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता, आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। सो दोस्तों, मैं आज आलमबाग के मॉल में आ रखी हूँ जिसका नाम है गेटवे मॉल, जो कि आलमबाग में है। और यहाँ पे मैं मेट्रो से मैं आई हूँ, आप लोगों को वो बाद में दिखाऊंगी, मुझे पता नहीं था कि मेट्रो से निकल कर आप डायरेक्ट मॉल के अंदर आ सकते हो। सो वो आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले ये मॉल दिखा देती हूँ और शुरू करते हैं ये व्लॉग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, नीचे प्यारा सा लाल कलर का बटन होगा उसको खचक से दबाकर मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। तो चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स गो। To my pasivare bagai vatas le liye tha shayad maya ko yo sugan। सो मॉल में एंट्री लेते ही यहाँ पे मुझे कुछ दिखा है, तो जिनको पढ़ने का शौक है वो यहाँ से बुक्स ले जा सकते हैं। बेस्ट सेलर गेटवे अप टू 50% ऑफ। सो इसके अंदर पूरा बुक्स का आई थिंक है, स्टेशनरी के आइटम्स भी हैं, दिख रहे हैं। प्यारी प्यारी डायरीज यहाँ पर आ रखी है, अगर आपको डायरी लेनी है, बच्चों के लिए लेनी हो तो बहुत अच्छी है, ये देख सकते हैं। सो बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें यहाँ पर आ रखी हैं। ये बॉक्स है यार, हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था कसम से। सो इन सब चीज़ों को देखती हूँ ना तो थोड़ा सा वही लगता है, बेचारापन लगता है अपने लिए। सो इरेजर देख सकते हो कितनी प्यारी प्यारीज हैं, प्यारी प्यारीज हैं। सो बहुत सारी बच्चों की चीज़ें हैं, ये देखो, ये पता नहीं क्या है यार, मुझे मैजिक करके कुछ लिखा, हाइलाइटर्स है। सो बहुत प्यारी प्यारी यहाँ पे स्टेशनरी की चीज़ें आ रखी हैं बच्चों की, फिर यहाँ पे बुक्स आ रखी हैं। ये है माइंडसेट, अगर आपको आपका दिमाग सेट नहीं है तो माइंडसेट ले लेना, ठीक। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, मैं चेंजिंग रूम में आई थी, सोच रही थी कि दिवाली आने वाला है तो कुछ ले लूँ, तो ये कुर्ती देख रही थी, इट्स लुक्स वेरी प्रिटी, मतलब बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग बताओ, बहुत सिंपल सी है, डिसेंट सी है, कलर भी बहुत प्यारा सा लग रहा है। एंड जब मैं इस चेंजिंग रूम में आई ना तो ये देखो यार, इतनी सारी कविता मुझे दिखी, बहुत सारी लगातार पीछे 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 तो है। सो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा चेंजिंग रूम देखा यार, इट्स लाइक मैजिकल, मेरे यहाँ नहीं होता जो वो ही हो रखा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी कविता, ये देखो यार, ओ माय गॉड। सो मेरे बहुत सारे यहाँ पे जो है फ्रेंड्स कविता नेम के मिल गए हैं। सो ये मेरे को बहुत खास लगा यार, मेरा मेज जैसा बिल्कुल है ये, सो गुड यार। तो यहाँ पे मुझे 700 रुपए की कुर्तियाँ भी दिखी और डेली यूज के लिए बहुत अच्छी है, मेरा मन कर रहा है सब ले लूँ यहाँ से। बट बहुत प्यारा कलर, ये देखो पिंक कलर का है, पिंक के शेड्स काफ़ी हैं, ये ऑरेंज और रेड में है। सो कुर्तियाँ आ रखी हैं फेस्टिवल के लिए, प्यारा कलेक्शन मुझे यहाँ पे लगा। तो ये पूरा कुर्तियों का ही सेक्शन है उत्साह का, और मतलब बहुत डिसेंट से कलर है, ऐसे चमक धमक वाले नहीं। तो ये देख सकते हैं कुर्ती टाइप की है, शॉर्ट में जीन्स के ऊपर पहनने के लिए, नाइस। अच्छा, सो यहाँ पे पूरा पूरा सूट का वो कह सकते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक है, फुल सूट है, मतलब पजामा भी है, चुन्नी भी है। सो ये 2700 का कुछ है, सो इसी के ऊपर सारे मतलब रेंजेस में है ये। कितना प्यारा लग रहा है यार, लुक एट दिस सूट है, बहुत प्यारा लग रहा है यार। ये प्लाजो में है और बहुत सॉफ्ट कपड़ा भी है एंड प्लस कंफर्टेबल बहुत है। सो या, वेरी ब्यूटीफुल कलेक्शन। सदस्य मैंने यहाँ पे शॉपिंग कर ली है वेस्ट साइड से, जस्ट मेरे पीछे शोरूम है उसका। और यार, मैं शॉपिंग बहुत हार्डली करती हूँ तो आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि मैंने थोड़ा कुछ खरीदा, वरना मम्मी बोलती है तुझे शॉपिंग करनी नहीं आती क्या, मतलब वो आज तक मेरे लिए कपड़े लेकर आती है। तो आज मैंने अपने लिए फाइनली दिवाली के लिए सिंपल सा मतलब सिंपल सी कुर्ती ले ली है। सो ये है। सो चलो अब आगे चलते, थोड़ा मॉल आप लोगों को और दिखाते हैं, अगर आप अभी तक नहीं आए हो तो ज़रूर आना और घूमना। सो यहाँ पे ज़्यादा ब्रांड्स तो नहीं, ये सामने आपको दिख रहे होंगे जितने भी हैं, जॉकी है और फिर बीबा है, जिमामे है और ऑक्टिव है। सो यही सारे हैं, बी यू नेचुरल, आई थिंक वो पार्लर है, यस बी यू नेचुरल। सो यही है, और ऊपर खाने का फूड कोर्ट है, और ऊपर चल के दिखाएंगे। यहाँ पे ट्रेंड्स भी है, ट्रेंड्स मैंने आपको नहीं दिखाया, तो ट्रेंड्स के यहाँ पे शूज़ वगैरह, स्लीपर्स वगैरह, बैग्स वगैरह, उधर कपड़ों का भी है, सो लाइफ स्टाइल भी है। सो हम आ चुके हैं इनके सेकेंड फ्लोर में, जहाँ पे फूड कोर्ट है, मस्ती जोन है, मार्केट 99 है।
सो बच्चों को लाओ यार, खेलो कूदो और अपना भी खेलो कूदो। इधर 99 है मार्केट, जाके थोड़ा सा होम डेकोर की चीज़ें ले लो और इधर के साइड चलते हैं, उधर खाने पीने की चीज़ें होंगी। सो लेट्स गो। बढ़िया है यार, ये देखो मस्त है। इस मॉल की ना वाइब्स बहुत अच्छी है, बहुत प्यारा कलरफुल सा इस मॉल को बनाया गया है। और जितने भी ब्रांड्स मुझे सामने दिख रहे हैं मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो सामने ही बिग बोल करके है, उसके बगल में ये अमृतसरी एक्सप्रेस है, इधर के साइड सबवे है, फिर एक और भी है जहान लिखा हुआ है, मुझे यहाँ से शाहजहाँ है क्या शायद से, फिर चाइनीज वॉक है, इटालियन डिलाइट है, नूडल स्टेशन है, यहाँ साउथ इंडियन फूड है। और उधर साइड आपको एक और ब्रांड दिखाती हूँ, ये पीछे छुपा हुआ है जहाँ से हमने भी ऑर्डर यहाँ पे किया हुआ है, मुंबईया। तो बड़ा पाव एंड पाव भाजी हमने किया हुआ है ऑर्डर। सो ज़्यादा ब्रांड्स नहीं है फूड के, पर जितने भी है बहुत अच्छे हैं। एंड सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ का यही है कि बहुत स्पेशियस है, मतलब हर जगह आपको बैठने को मिल जाएगा आराम से। सो कहीं भी बैठो, इंजॉय करो फूड। सो दोस्तों मैंने तो खा लिया है और मेरा पेट भर गया है, मस्त हो गया, पाव भाजी मैंने खाई। और यहाँ पे मैं यही देख रही थी, काफ़ी प्यारा परस प्यारा प्यारा यहाँ पे सिटिंग एरिया बनाया गया, हर जगह आराम से आप बैठ के खा सकते हो। सो मूवी का भी है ऊपर, आई थिंक आइनॉक्स है, मुझे भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ। तो ऊपर आप यहाँ पे मूवीज़ भी इंजॉय कर सकते हो। तो आलमबाग के साइड ये मॉल बहुत अच्छा खोला गया है, गेटवे, मेरे से ना गेट अवे निकल जा रहा है लेकिन इट्स गेट वे, गेट वे। सो आप लोग भी आना और इंजॉय करना और बस निकलते हैं यहाँ से। यार यहाँ पे ना गेम्स देखे मेरा भी मन कर गया खेलने का। और अभी उधर बच्चे वहाँ पे खेल रहे, किड्स प्ले एरिया उधर है और इधर के साइड ये बड़ों लोगों का है। सो अभी तो मैंने कार्ड वगैरह भी कुछ नहीं बनवाया है, इन फ्यूचर आऊँगी ना जब मेरे साथ लोग होंगे तब खेलेंगे। सो काफ़ी बच्चे देखो इंजॉय कर रहे, ट्रैम्पोलिन भी है बच्चों का ये। सो मस्त है यार इधर ये आप लोग ने खेला है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना यार, मैं तो हमेशा हारती हूँ इसलिए मैं खेलती ही नहीं, इसमें पैसे वेस्ट हो जाते हैं पूरे। तो ये देखो यार यम्मी। बाय फातिमा, फिर से ऊपर। ये अभी ऊपर गई थी, फिर मेरे साथ नीचे आई थी, फिर ऊपर जा रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। थर्ड फ्लोर में भी इनके आ ही चुकी हूँ, मैंने सोचा जब आए हैं यहाँ पे तो आपको इनका थर्ड फ्लोर भी दिखा देते। तो यहाँ पे ये मूवी मैक्स है, सो यहाँ पर आप मूवीज को एंजॉय कर सकते हो। तो ये मूवी मैक्स है, मुझे लगा PVR है आईनॉक्स होगा, बट ये मूवी मैक्स है। सो अगर आपको मूवी देखने का मन कर जाए तो आप यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे ना मार्केट 99 के बाहर ही इनका डिस्प्ले लगा है, तो प्यारा प्यारा चीजें हैं यहाँ पे डेकोर के लिए, ये देख सकते हो। सो पॉट्स वगैरह है, सो अगर आपको होम डेकोर के लिए लेना हो तो आप यहाँ पे जरूर विजिट करना मार्केट 99 में, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती है। सो दिवाली में डेकोरेट करना घर को। सो दोस्तों यहाँ पे ग्राउंड में जाते हैं और ग्राउंड में भी यहाँ पे स्मार्ट बाजार है रिलायंस का, तो ये मैं जा रही हूँ। आज यहाँ पे सीढ़ियाँ तो है नहीं तो एस्केलेटर का यूज़ कर, यहाँ पे स्मार्ट बाजार है, अगर आपको राशन पानी लेना हो, कपड़े लेने हो, ग्रॉसरी का सामान लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। सो ये अंडरग्राउंड में है और यहाँ पे भी कपड़े हैं और सूट्स वगैरह है और टॉप्स वगैरह, बच्चों के कपड़े, बहुत सारे कपड़ों का कलेक्शन है यहाँ पर। सो अगर कपड़े लेने हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कुर्ती वगैरह है, इधर के साइड शूज़ भी हैं, जीन्स भी है। सो इधर के साइड पूरा कपड़े का सेक्शन है, इधर डोरमेट्स वगैरह भी हैं यहाँ पर, बहुत प्यारी प्यारी डोरमेट्स हैं, 200 समथिंग कुछ की मुझे दिख रही है यहाँ से। सो इधर से ले चलती हूँ मैं आप लोगों को। सो अगर आपको लेनी हो तो आप ले सकते हो, ये कुछ 399 की है। सो डोरमेट्स वगैरह है, बैग्स वगैरह है, ट्रेवल बैग्स है, फ्रिज है, सारी चीज़ें। तो साहब हम मॉल से निकल रहे हैं तो मेट्रो से जा रहे हैं, तो आप लोगों को दिखाएंगे सो जो रास्ता है, रूट है, ठीक है, लेट्स गो। सो दोस्तों ये है मॉल और यहीं से ही इसके फर्स्ट फ्लोर से ही ये देख सकते हैं बाहर जाने का रास्ता है और यहाँ से हम निकलेंगे तो पहुँच जाएंगे आलमबाग के मेट्रो स्टेशन में। सो यहाँ से लोग मॉल के अंदर भी जा रहे हैं। सो ये है हमारे लखनऊ का मेट्रो स्टेशन और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने इसमें ट्रैवल किया आज। सो चलते अंदर, टिकट लेते फिर चलेंगे। चलो
घंटों से अब हम मेट्रो का वेट कर रहे हैं और ये ना आलमबाग बस अड्डा था, यहाँ पे ये मतलब मेट्रो स्टेशन है, यही से मतलब मौलवी जी के बगल में, तो यहाँ से तभी कनेक्टेड है। सो वी आर वेटिंग फॉर आवर मेट्रो, आएगी तो हम उसके अंदर से जाओ, उस पर बैठेंगे और फिर घर जाएंगे। तो मेट्रो से हम निकल चुके हैं, मेट्रो के अंदर का क्या बनाना था, आज क्राउड भी काफ़ी था, सो बस हम निकल चुके हैं। सो दिस वॉज माई ब्लॉग सॉरी। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, नीचे प्यारा सा लाल कलर का बटन होगा उसको खचिक से दबाकर मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। मैं मिलती हूँ इसी तरीके से नए ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। सिर्फ बोला।